Assalamu alaikum all class, how are you? I hope you will find your home. World class, जैसा कि हमारा लेक्चर स्टार्ट है, ठीक है? मजमून का इस्लामियात है, ठीक है? बाब नंबर 2 है नानियात का बादा, सबक नंबर 2 है जरूसलम पर इमाम। फर्स्ट हमने रजाला पर इमाम पढ़ा, सेकंड हमने जुड़ी आपको बताया था वो था कलमा तेबा, और अब जो हमारा ये वाला लेसन है यह सबक नंबर 2 है जरूसलम पर इमाम, ठीक है? नौ क्लास हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट ऑल हमें पता होना चाहिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कौन है, आही नबी है, ठीक है ना? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आही नबी हैं, ठीक है? आपसे सल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, ठीक है? अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद आपसे सल्लम पर ही नाज़िल फरमाई, इसलिए हमें चाहिए कि हम आप पर यकीन रखें, आप किताबी रास्ते पर अमल करें, ठीक है? और आप ही को अपना आही नबी तस्लीम करें, ठीक है? अब देखिए अल्लाह ताला ने लोगों को अच्छी बात सिखाने के लिए नबी और रसूल भेजे थे, ठीक है? और हम सबको जो आखिरी माई नबी है उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि उन्होंने हमें अच्छा अच्छी अच्छी बातें बताई, सीधी राह दिखाई, ठीक है? सलम तमाम दुनिया के लिए, खाली हमारे लिए नहीं आए, आप सलम तमाम दुनिया के लिए, ठीक है? आप सलम को तमाम दुनिया के लिए बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मुअल्लिम और रहमत बनाकर भेजा, ठीक है? आप पर अपनी किताब नाज़िल फरमाई, हर मुसलमान का ईमान है कि आप सलम अल्लाह के आयत सुन है, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हम जो मुसलमान हैं हम सबको ईमान ही है कि आप भी अल्लाह के आयत सुन, आपके पास कोई नबी नहीं आएगा। जब हमारा ये ईमान नहीं होगा तो हम मुसलमान नहीं होंगे, ठीक है ना? आप लोगों को पता होना चाहिए क्लास वाइज, ठीक है? अब देखिए आपसे सलम की पूरी ज़िंदगी कैसी थी, हमारे लिए बेहतरीन नमूना थी, ठीक है? आप अल्लाह की इबादत भी करते थे, आप हमेशा सच बोलते, आप सलम ने कभी झूठ नहीं बोला था क्लास, आप सलम हमेशा सच बोलते थे, आप सलम बच्चों से प्यार और बड़ों की इज्जत करते थे, आप सलम की सच्चाई की वजह से जो मक्का के रहने वाले काफ़र थे वो आपको सादक और अमीन के नाम से पुकारते थे, सच्चाई और ईमानदारी की वजह से। तो हम अपने नबी सल्लम के रास्ते पर अगर चलेंगे तो हम बहुत कुछ सीखेंगे लाइफ में, ठीक है? आप हमेशा सबसे भलाई करते हैं, कोई आपके साथ बुरे तरीके से बात करता है आपसे मुस्कुरा कर नरम लहजे में बात करते ताकि वो भी आपकी जैसे ही बात करे, ठीक है ना? ताकि उसको थोड़ा सा फील हो कि मैंने तो बुरे तरीके से बात किया लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अच्छे तरीके से बात किया। आपको पता है सफर ताइफ भी आप सलम पर अब्बास नौजवान ने पत्थर बरसाए थे, जहाँ तक आप सलम लहूलुहान हो गए थे, आप सलम के जख्मों से खून रसने लगा था, लेकिन आप सलम ने फिर भी उन अब्बास लड़कों के लिए बदवा ना फरमाई बल्कि उनके हक के लिए दुआ की। तो कैसा हो सकता है क्लास के हमारे नबी हमारे लिए एक बेहतरीन मुअल्लिम ना हो, हमारे एक बेहतरीन मुअल्लिम है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहमत ना कर भेजा, हमें उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखना चाहिए, वो हमेशा हमें अच्छी बातों पर अमल करने और बुराई के कामों से रोकते थे, ठीक है? और हमें उनकी बातों पर अमल करना चाहिए, अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, उस्ताद का अदब और छोटों से प्यार और बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। नौ क्लास में नौ सलम पर ईमान का मतलब ये है कि आप सलम के बताओ रास्ते पर अमल करें और जिस तरह आप सलम ज़िंदगी गुजारें उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस जो ये लेसन है सबक नंबर 2 हज़रत सल्लम पर ईमान इसकी रीडिंग करेंगे। नौ क्लास चले स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीडिंग, ताकि आपको समझ जाए कि आप सलम की ज़िंदगी कैसी थी, आप सलम कैसे ज़िंदगी गुजारी, आप सलम क्या करते। तब तक के लिए क्लास आपने अच्छे से लर्न भी करना है और राइट भी करना है, आपको नोट्स भी मिल चुके होंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग।